हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप कल का टारगेट जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में टारगेट्स हैं कि कल का टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी जून क्वार्टर का डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने। फ्रेंड्स, ये ब्राइटकॉम ग्रुप का 2-3 डेज में आ सकता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर बिकॉज ऐसा सुनने में आ रहा है कि FII ने बाइंग की है और प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, तो फ्रेंड्स अगर 2-3 डेज में आ जाता है और बढ़ के आता है तो यहाँ से शेयर आपको और ऊपर जाता दिखने वाला है। तो ये बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होगी। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ ये भी आई है कि ASM स्टेज वन में दोबारा से डाल दिया गया है सेबी ने इस शेयर को। बट लास्ट टाइम भी जब डाला था तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, तो ठीक है, इसको हम एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह लेंगे। एंड सेकेंड न्यूज़ ये भी है कि एक्सचेंज ने इनको दोबारा से नोटिस भेजा है कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अगर आप BCG के शेयर होल्डर हैं तो। तो फ्रेंड्स, अब आपको टारगेट्स, आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए मॉर्निंग की। तो आज का मैं बताना चाहूँगी, आज टोटल 2 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं NSE एंड BSE दोनों को मिलाकर। और एक गुड न्यूज़ ये है कि बाइंग में पेंडिंग ऑर्डर भी था, 50 लाख का बाइंग में पेंडिंग AMO ऑर्डर लगा हुआ था। इस रीज़न से हमें कल भी एक अपर सर्किट देखने को ज़रूर मिलेगा इस शेयर में। तो न्यूज़ आपको बता दी, शेयर होल्डिंग पैटर्न 2-3 डेज में आ जाएगा, एक्सचेंज ने इनको एक नोटिस भेजा है और ये शेयर दोबारा से ASM स्टेज वन में चला गया है। बट हमें उम्मीद है कि इससे हमें कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिविटी फिर भी बनी रहेगी क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट भी कंपनी जल्दी ही डिस्क्लोज कर देगी। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप शेयर होल्डर हैं तो। अभी आप बने रहिए, 60 रुपीज़ तक फ्रेंड ये आपको जाते दिखेगा, 55 रुपीज़ इसका अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, उसको ब्रेक कर देगा तो देन अभी आपको 60 की तरह दिखने वाला है। तो अगर बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाता है तो और भी अच्छी न्यूज़ हो जाएगी फ्रेंड्स जी।